नमस्ते बच्चों, आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे ओ युवाओं से, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। मैं समझ सकती हूँ कि आप स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल पहले ही कर चुके हैं, ऐसा समझ सकती हूँ ना? आप जानकारी हासिल कर चुके हैं ना? ठीक है, जिनको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आज हम स्वामी विवेकानंद के एक संबोधन, जिसे भव्य भारत के निर्माण में नवयुवकों को संबोधन करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इस पाठ का चयन भी वैसे ही हुआ है। और यहाँ पर पाठ पढ़ने से पहले हमें लेखक परिचय की ओर थोड़ा बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेखक परिचय पढ़ूंगी। स्वामी विवेकानंद युग पुरुष थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ रखा गया और बचपन से ही वे प्रतिभाशाली थे, साथ ही साथ गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले व्यक्ति थे। इसके साथ साथ भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाले, और सभी धर्मों के अध्येता भी थे। अध्येता मतलब अध्ययन करने वाले। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया था और वैसे ही भारत देश का प्रतिनिधि बनकर सितंबर 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में उन्होंने जो भाषण दिया था वो अपूर्वता अद्वितीय था। अब भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद भारत देश में जन्म लेने के कारण भारतीय संस्कृति क्या होती है, भारत देश की जनता किस प्रकार की जिंदगी गुजार रहे हैं और भारत देश यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हुए भारत देश का उद्धार कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य और भक्ति वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवत गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत संबोधन युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों का मार्गदर्शन किया है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवक मतलब कौन है, आजकल के जो विद्यार्थियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, वे ही कल के प्रजा हैं।
उन्हें हम नव युवक और नव युवती कहते हैं। और उनका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नव युवक एवं नव युवतियों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। देन मतलब आप इंग्लिश में कहते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन। ये युवाओं से पाठ स्वामी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु तो इस पाठ का चयन किया गया है। स्वामी विवेकानंद इस पाठ में हर कदम पर भारत देश के नव युवक, नवीन पीढ़ी के नव युवक और नव युवतियों का मार्गदर्शन करते हुए भारत देश का उद्धार जो है केवल उनके द्वारा ही संभव है, ऐसा संदेश हमें देते हैं। और यहाँ पर पहले लेखक परिचय हुआ, अभी अभी देखिए स्वामी विवेकानंद का नव युवकों के प्रति मार्गदर्शन किस प्रकार है और वे कार्यकर्ताओं का संग्रह किस प्रकार करते हैं। उन कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज में स्थित, मुख्यतः भारत देश में स्थित समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढ निकालते हैं और भारत देश का उद्धार कैसे हो सकता है, उसके बारे में हमें मार्गदर्शन देते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखिए, ये पार्ट बहुत अच्छा है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने जो सुना है, पढ़ा है ना, तो आज आपको पीयूसी में एक पाठ पढ़ने का मौका मिला है। देखिए उनके विचार जो है उन्नत हैं, अद्भुत हैं। आज की जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसके बारे में ही वो हमें संदेश देते हैं। ज़्यादातर वो नव युवकों पर जोर लगाते हैं। देश का उद्धार जो है उन्हीं के द्वारा संभव है, ऐसे उनकी राय थी। और वो कहते हैं, यहाँ पर लेखक खुद बात कर रहे हैं, ठीक है, लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। मेरी आशा, मेरी मतलब किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की आशा। और मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है, उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। कार्यकर्ता मतलब कौन है? आप जो कहते हैं ना वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स आप बने हैं ना, कॉलेज के फंक्शन में बने हैं, कहीं बाहर बने होंगे, है ना, मंदिर में जाते समय वहाँ पर वॉलंटियर के रूप में आपने काम किया होगा। आपको पता है वॉलंटियर कौन है, उनका काम किस प्रकार का होता है। परंतु यहाँ पर भव्य भारत का निर्माण करना है, उसके लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। वो कहते हैं, मेरी आशा और मेरा विश्वास जो है नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है, न्यू जनरेशन, उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। मैं इस नवीन पीढ़ी के नव युवकों को ही चुनूंगा। कैसे चुनूंगा, क्यों चुनूंगा? भारत देश के उद्धार करने के लिए कार्यकर्ताओं के रूप में चुनूंगा। वो नव युवक कैसे रहना चाहिए? वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वो कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कार्यकर्ता कर्मचारी यानी वॉलेंटियर है। सिंह विक्रम मतलब सिंह बल, सिंह के जैसा शक्तिशाली, कैसे? शारीरिक रूप से और
इसके साथ साथ उस व्यक्ति में मानसिक दृढ़ता भी होनी चाहिए, मानसिक रूप से ही वो सशक्त हो, मतलब उसका मन कभी चंचल ना हो, वो स्वार्थी ना हो, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। उन्नत विचार रखने वाला व्यक्ति ही भारत देश का उद्धार करेगा। समाधान मतलब संशय दूर करना, उन्नति मतलब सुधार, प्रोग्रेस, सॉल्यूशन, समाधान मतलब सॉल्यूशन, समस्या। देखिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं अगर कोई समस्या आए तो समस्या से बाहर कैसे निकलना वो नहीं जानते, समस्या का समाधान उस व्यक्ति पर ही निर्भर रहता है, परंतु वो समस्या का समाधान कहीं और ढूंढ लेता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। परंतु स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत देश में जो समस्या आए हैं उस समस्या का समाधान नवीन पीढ़ी के नव युवक ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उन नव युवकों को कार्यकर्ता के रूप में ले लूँगा और भारत देश का उद्धार करूँगा, समस्या का समाधान भी ढूंढ निकालना चाहूँगा। और वो कहते हैं वर्तमान काल में मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन, यहाँ पर अनुष्ठेय, अनुष्ठेय मतलब आचरण में लाया हुआ आदर्श, मॉरल्स, कुछ भी हो, हम लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए एक दायरा बनाते हैं, जिंदगी इस तरह ही जीना चाहिए, ऐसे ही भारत देश में अभी अभी जो आचरण में लाया हुआ आदर्श जो है उसको मैंने अपने जीवित काल में एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और इसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। कार्यान्वित करना मतलब व्यवहार में लाया हुआ, कार्य रूप में प्राप्त, मतलब वहाँ पर हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालने की कोशिश मैंने अपने जीवन काल में किया है और आगे क्या करना चाहिए ये स्पष्ट विचार मेरे मन में है। उस काम को करने का जो उत्तरदायित्व किसका है, नवीन पीढ़ी के नव युवकों का है। और वो कहते हैं मैं इन कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का काम सौंप दूंगा। वो कहते हैं वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे, समग्र मतलब सारे पूरे भारत में फैल जाएंगे। वो क्या करते हैं, ऐसा कहते हैं कि इन कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके मैं क्या करूँगा, एक केंद्र बनाऊँगा, एक केंद्र मतलब एक सेंटर, वहाँ सेंटर मीन्स वहाँ पर क्या है, एक छोटा सा गांव है, उस गांव में जितने सारे नव युवक हैं उनमें जो 10 नव युवक इस काम के लिए तैयार है तो विवेकानंद जी क्या करते हैं उनको अलग अलग काम सौंप देते हैं, है ना। ऐसे ही दूसरे एक गांव में एस 15 वॉलेंटियर्स मिले तो उन्हें भी साथ मिलाकर काम देना, ठीक है। पहले क्या करना चाहिए, उस गांव में कौन सी समस्याएं हैं, उस समस्या का सामना कैसे करना चाहिए, समस्या का समाधान कैसे ढूंढ निकालना चाहिए, उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी उन लोगों को एक मार्गदर्शन देते हैं। इस मार्गदर्शन के दायरे वो लोग क्या करते हैं, सहारे वो क्या करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ निकालते हैं, है ना। तो क्या होता है, वहाँ पर प्रगति हो सकती है, हो ही जाएगी, है ना। और इसके बाद दूसरे एक गांव में ऐसा ही एक समस्या है तो वहाँ पर भी समस्या का समाधान करना, ऐसा करते करते हम पूरे भारत में फैल जाएंगे, पूरे भारत में फैल जाएंगे, वहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कार्यकर्ता के रूप में नवीन पीढ़ी के नव युवकों को ही काम करने के द्वारा समस्या का समाधान ढूंढ निकालना पड़ता है। समझ में आया, अंद्रे इल्ली एन हेळ्तारे, नन्न आसे नन्न आकांक्षे नन्न ओंदु भरवसे विश्वास अंतिद्रे,
ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದು. ಅದು ಕೇವಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನವ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತಾದರೆ, ಒಂದು 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ನಮಗೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು 10 ಜನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಭವೇ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮೇ ನವ ಜಾಗರಣ್ ಅಂದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ್, ಪುನರುತ್ಥಾನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಪುನಃ ಉನ್ನತಿ ಕರ್ನ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್, ಭಾರತ ವರ್ಷ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ್ ಕಾ ಏಕ್, ಭಾರತ್ ಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚೀನ್ ನಾಮ್ ಹೈ. ಭಾರತ ವರ್ಷ ಕಾ ಪುನರುತ್ಥಾನ್ ಹೋಗಾ ವಹ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿ ನಹಿ ವರನ್ ಆತ್ಮಾ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಕೆ ದ್ವಾರ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏಕೇನ ಚಾತೆ ಹೇ, ಭಾರತ ದೇಶ ಕಾ
पुनरुत्थान कैसे होगा? पुनरुत्थान मतलब फिर से उठना, पतन होने के बाद फिर से उठना, पुनः उन्नति करना, वो कैसे होना चाहिए? देखिए, इसको समझने से पहले हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व भारत कैसा था, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पूर्व भारत में वहां पर हम ऐसा मानते थे कि हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहाँ पर जितनी संपत्तियाँ रॉ मटेरियल्स मिलती थी उतनी अन्य देशों में नहीं, इसलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। परंतु मध्यकालीन भारत में कुछ विदेशियों को पता चला कि यहाँ पर इतनी संपत्ति है, इसलिए वो भारत पर आक्रमण कर चुके हैं और यहाँ पर अपना शासन भी जमाए हैं और इस देश को अपने काबू में रखने की कोशिश भी उन लोगों ने किया है। और यहाँ पर शासन करते समय वे लोग जितना हो सकता है उतनी संपत्ति यहाँ से ले गए थे, है ना? और उसके बाद आधुनिक भारत में आए थे, ब्रिटिशों ने यहाँ शासन किया था, भारतवासियों को गुलामी बना दिया था, गुलाम बना दिया था, है ना? और वो भी यहाँ पर जो भी संपत्ति है उसे लूटने की कोशिश की और लूट चुके थे। इससे क्या होता है, प्राचीन भारत में हमारी भारत माता कितनी शोभायमान थी और मध्यकालीन और आधुनिक भारत में उतना नहीं, क्योंकि भारत माता जंजीरों से जकड़ चुकी है, उसे एक जगह पर बिठा दिया गया है, ऐसे ही वो सुस्त होकर वृद्ध हो चुकी है, वो गंभीर निद्रा में है। ऐसी भारत माता को जगाने की कोशिश हमें कर लेनी चाहिए। ये कार्य किसके द्वारा संभव है? नवीन पीढ़ी के नव युवक और युवतियों के द्वारा ही संभव है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं, भारत देश का जो पुनरुत्थान है वो कैसे होगा? शारीरिक शक्ति से नहीं, आत्मा की शक्ति के द्वारा। शारीरिक शक्ति मतलब किसी पर शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए नहीं, किसी एक देश पर युद्ध करते हुए नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच वहां पर सौहार्द की भावना रखने से ही भारत देश का पुनरुत्थान हो जाएगा। आत्मा की शक्ति, हम जानते हैं हर एक इंसान में आत्मा की शक्ति होती है, है ना? आत्मा की शक्ति के द्वारा ही हम हर एक काम करते आए हैं, तो उस आत्मा की शक्ति को मानकर ही हमें भारत देश का पुनरुत्थान करना चाहिए। आगे जो पढ़ना है अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।